नाज़रीन, अब हमारे साथ एक राइडर मौजूद हैं और ये नॉर्मली वो काम करते हैं सवारी उठाने का, और इनसे पूछते हैं कि ये किन मसाइल से दो चार हैं इंटरनेट के ना होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, आप ये बाइक चलाते हैं? इन ड्राइव चलाते हैं। ठीक है, तो अभी तो इंटरनेट नहीं आ रहा है एक हफ्ते से, तो क्या किस तरह से चला रहे हैं? की वजह से बहुत मुश्किल है, तो अगर नेट आ भी जाए तो मैप नहीं मिलता, तो वो कस्टमर आगे जो है जहाँ लोकेशन है उसकी वो नहीं ठीक मिलती। फिर वैसे ही है कि रास्ते में खड़ी होकर सवारी उससे पूछ ले, या हम ऐसे जाते को वैसे को पूछ ले, तो फिर जाते जाते हैं वैसे ही। अब आप आबिल मार्केट खड़े हैं तो आप किसे पूछ ले कि भाई जाना है तो मैं इस तरफ जाना, मैंने इधर करीब जाना, तो फिर उस वास्ते मतलब कि इंटरनेट नहीं आ रहा तो आपकी ऐप ही नहीं चल रही, क्योंकि आपको तो ऑर्डर ऐप पे आते होंगे। ऐप पे आते हैं, सब कुछ ऐप पे चलता है। तीन चार दिन से ऐप नहीं चल रही। ठीक चल ही नहीं रही, कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। चलती है तो आगे जो कस्टमर उससे कॉल नहीं मिलती, कॉल मिलती है तो आगे से लोकेशन जो आएगी वो नहीं मिलेगी, देर हो जाएगी तो कस्टमर राइड कैंसिल कर देता है, तो वो पैसे बढ़ जाते हैं हमें। आपको पैसे बढ़ जाते हैं, तो मतलब कि एक तो ये भी मसला आ रहा होगा कि अगर आपको कोई, एक तो पहली बात है कि ऐप नहीं चल रही तो क्लाइंट ही नहीं मिल पा रहा, क्लाइंट मिल जाए तो फिर उसकी लोकेशन पे पहुंचना भी एक टास्क है, ये भी बहुत मुश्किल है। फिर उससे फोन अगर बात उसे हो जाए, अगर वो नंबर अपना सेंड कर दे तो नंबर उससे कॉल, इस पे नंबर भी नहीं होता, ऐप पे नंबर नहीं शो होता, नंबर नहीं आता, मैसेज करते हैं फिर उसको फिर वो नंबर भेजता है। ठीक है, नंबर भेज दे तो फिर कॉल पे बात हो जाए तो फिर वो अगर आपको समझाने में कामयाब हो जाए, उतनी देर रुक जाए तो ठीक है, वरना कैंसिल कर देगा और वो फिर आपको ऑर्डर के पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। एक और मसला ये भी है कि अगर कॉल पे वो ये भी कह दे कि आप वो फलाने चौक पे पहुंच के यहाँ से तीसरी गली अंदर मुड़ के आगे एक छोटी सी गली मुड़ रही है, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, तो इस तरह पहुँचना भी बड़ा मुश्किल काम है। काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि लोकेशन हो तो सीधा सीधा जल्दी पहुँच जाता है, अगर नहीं है तो फिर वैसे घूमेगा पूरे लाहौर में घूमेगा। लाहौर वाले तो वैसे ही घुमाते हैं हर तरफ, लाहौर वाले घुमाते हैं। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ एक हफ्ते में? मतलब कि वैसे आप एक हफ्ते में कितना कमा लेते थे और इस हफ्ते में जब इंटरनेट में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, अब कितना फ़र्क पड़ा? वैसे अगर बंदा सारा दिन चलाए तो उसे 1000-1500 खर्चा निकाल के हो जाता है, खर्चा निकाल के 1500-1500 की दिहाड़ी लग जाती हो जाती है। और अभी जब इंटरनेट ही नहीं आ रहा तो फिर क्या कर रहे हैं? आ नहीं रहा, अगर आ जाते तो वो भी पैसे बढ़ जाते हैं, उसके बाद 400-500 कभी ये भी होता कभी ये भी नहीं होता। इस पूरे हफ्ते में कितने पैसे ले गए हैं डेली? क्या पूरे हफ्ते में डेली तकरीबन सारा नेट की वजह से चलाया नहीं है, क्योंकि बाहर जाके भी मुश्किल ही परेशानी है, तो फिर वो कम ही चलाया तो 1500-2000 इतना ही बस हुआ पूरे हफ्ते में। जितना आप एक दिन में कमाते थे उतना पूरे हफ्ते में कमाया? पूरे हफ्ते में, वो भी खुद पूछ के या अगर कोई राइड आ गई, लोग उतना एतबार नहीं करते। अगर आप किसी से वैसे पूछ रहे हैं ऐप पे तो ये है ना, उन्हें पता है कि ऐप पे लोकेशन चल रही है और ये पैसे इतने मांग रहे हैं। इस तरह बड़ा मुश्किल होगा सवारी उठाना, हर शख्स से पूछना भैया आज मैं आपको ले जाऊंगा, काफी मुश्किल है। कोई आगे वाम कहते हैं नहीं जाना, कोई शायद ज्यादातर वाम रक्षे के इंतजार में जाते हैं, रक्षे में चले जाते हैं। बाइक में बहुत मुश्किल है, वाम बहुत कम एग्री होती है जाने के लिए। तो अगर ये इसी तरह रहा इंटरनेट का तो गरीब तो मर गया? गरीब तो फिर पहले ही मरा हुआ है, फिर और ज्यादा मर जाएगा, पीछे रह के जाना कुछ भी नहीं है। अभी आपको कोई मिली है सवारी? अभी आ रही है, कभी ओके हो जाती है कभी नहीं होती नेट की वजह से। मतलब वो ये है कि सवारी आ जाए तो लोकेशन लाना मुश्किल है। हाँ जी, ओके नहीं होती जल्दी, होते नेट नहीं ना चल रहा, नेट नहीं, नेट का मसला आ रहा है। ये देखें ना, एक राइडर हैं, ये अब करतबा चौक पे खड़े हुए हैं और ये अब कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जिस तरह ये आम रिक्शे वाले सवारी जो है सर्च करते हैं उस तरह सवारी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐप नहीं चल पा रही। कह रहे हैं अब नेट चलेगा तो ऐप चलेगी, ऐप पे क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट पहले उसको पकड़ना मुश्किल है, क्लाइंट पकड़ लेंगे तो फिर उसका नंबर मंगवाना मुश्किल है क्योंकि चैट नहीं हो पाएगी, नंबर आ जाएगा तो फिर उसकी लोकेशन पर पहुँचना मुश्किल है कि जी आप फलां जगह आ जाएं। मैप के बगैर तो लाहौर में सफ़र करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको ये फ़र्ज़ कर मॉल टाउन जाना पड़े, मॉल टाउन नहीं आप पहुंच पाएंगे मैप के बगैर। तो अब ये मसाइल हैं, हमने जैसे वो राइडर से बात की, फूड पांडा राइडर से, उसी तरह ये जो बाइकिया वाले हैं यार, बाइक पे राइडर के तौर पे जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, इनके उसी तरह के इनके भी मसाइल हैं। बहरहाल इंटरनेट ना होने के बायस लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ, बल्कि मैं कहूँगा कि अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, और इनफरादी हैसियत में हर शख्स जहाँ पे कोई 50,000 कमा रहा था वहाँ पे वो 10,000 पे आ गया। क्यों जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो जितने ऐसा ही काम रहे थे, बिजली का बिल कौन लाएगा, गैस का बिल कौन देगा, बच्चों की फीस कौन देगा? बहुत मुश्किल हो जनाब, बहुत मुश्किल होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर पाके ही होने, और तो कुछ भी नहीं पाके। तो ऐ तुहाडे ऐसे हुकूमत ने स्पेशल तोहफा कढ़िया, ये तो खास तोहफा, मेहरबान, थैंक यू करें, थैंक यू करें, थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शुक्रिया गवर्नमेंट पाकिस्तान, थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इन हालात में इस तरह आम आवाम को पहुंचा दिया है कि लोग दो वक्त ही रोटी खाने से परेशान हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाहौर पूछता है और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं उस तमाम तबके से जाके बात करें जिनका इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक जो कि डेटा साइंटिस्ट हैं और पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं और इनका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और मुझे पता लगा है कि ये पिछले एक साल से पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मुफ्त जो है कोर्सेज करवा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं ताकि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो भी इस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है वाकिफ़ हो सकें। इस वक्त इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इंटरनेट ना होने के बायस कितना नुकसान हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें उतना नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इंटरनेट ना होने के बायस बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और आगे होने वाला है। इरफान भाई से जानते हैं कि क्या नुकसान हो गया है, क्या होने वाला है और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। ये पाकिस्तान में एक बड़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक कंपनी रन कर रहे हैं, इनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान भाई, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें आप बता रहे हैं कि फाइवर ने हमें जो है वो अनअवेलेबल कर दिया और आप इंटरनेट ना होने के नुकसान बता रहे हैं, बताएं हमने कितना खो दिया और कितना खोने वाले हैं, क्या मामला क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हम तो इस फील्ड में जी रहे हैं ना, ठीक है, मैंने तो मेरा तो पिछले 14 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, फ्रीलांसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कंपनी। मसला ये नहीं कि हमने क्या खो दिया, ऑल दो कि हमने ओवर $500 मिलियन का नुकसान अब तक कर दिया फॉरन इमीडिएटली, और ये भी मैं बता रहा हूँ जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। मसला ये है कि हम $500 मिलियन का ये पिछले हफ्ते ने ये जब से इंटरनेट का इशू हुआ। अच्छा, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि हमें डरना इस बात से है कि क्या होने जा रहा है उसको कोई नहीं बात कर रहा। देखिए आईटी इंडस्ट्री जो है ना और फ्रीलांसिंग, ये क्लाइंट और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो यूथ है उसके दरमियान ट्रस्ट पे खड़ी हुई है, ठीक है। आपने वो पूरा ट्रस्ट ही हिला दिया। याद रखें कि ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता। किसी क्लाइंट को आप 5 महीने देंगे, किसी को 5 हफ्ते देंगे, किसी को 5 साल देंगे जिंदगी के, तब जाके वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश होता है और वो ट्रस्ट ख़त्म दिनों में होता है। इस तरह की मिसमैनेजमेंट से, इस तरह की मिसकम्युनिकेशन से, इस तरह की अनसर्टेनिटी से वो ट्रस्ट टूटता है। जब वो ट्रस्ट टूटता है तो क्या होगा? तो क्या जब फायरवॉल ठीक हो जाएगी और आप पब्लिकली डालेंगे तो क्लाइंट क्या खुशी खुशी वापस आ जाएंगे? नहीं, वो वापस नहीं आएंगे, वो उस वक्त तक दूसरे ममालिक में अपनी सर्विसेज का मूव कर चुके हुए होंगे, कर चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत से लोग मूव कर चुके हैं, क्लाइंट्स अपनी सर्विस पाकिस्तान से लेकर दूसरों को दे चुके हैं। ये तो मुझे डायरेक्ट बताते हैं ना सारा, ये तो हो चुका हुआ है सारा। थिंक इसके आगे होने क्या जा रहा है। आगे जो होने जा रहा है ना भाई, वो बहुत खतरनाक है। मैं अपनी टेक एक्सपीरियंस से, आपके चैनल से, जहां मुझे मौका मिलता है, मैं ये वॉर्न कर रहा हूं कि दिस इज नॉट ए वन टाइम इशू। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इसी तरह की लोड शेडिंग दोबारा होगी? ये फायरवॉल लगाने की वजह से इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फायरवॉल की मिसमैनेजमेंट से है। अच्छा, टेक्निकल मिसमैनेजमेंट से ये हो रहा है। हमें तो लग रहा था कि शायद वो इंस्टॉल हो रही है तो इस वजह से। नो, एब्सोल्युटली नॉट सर। मिसमैनेजमेंट क्या होती है? मिसमैनेजमेंट ये होती है कि जी आपने अपने घर में, आपने अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट लगवानी है तो पहले आप एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस लिफ्ट की जगह बनाते हैं जहाँ लिफ्ट लगेगी। घर बनाने के बाद घर तोड़ के लिफ्ट लगाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये मिसमैनेजमेंट है? नहीं, हम तो लिफ्ट लगा रहे हैं ना ताकि लोगों को आसानी हो ऊपर जाने में। आप हमें ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप पूरा घर कमजोर कर रहे हैं। पूरा घर इस तरह से कमजोर हो जाएगा कि यार जब आईटी इंडस्ट्री बैठ जाएगी आप क्या करेंगे? आईटी इंडस्ट्री को छोड़ दें, वो भी मैं कहता हूं चले पैसे को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि जी ये जब फायरवॉल लगा रहे हैं ये कौमी सलामती के लिए, मैं कहता हूँ कौमी सलामती तो आपकी है ही मुनहसर आपके 64% यूथ पे। अगर आप उसको नकारा कर देंगे, उनको डैमेज कर देंगे, उनको अपने खिलाफ कर देंगे, उनकी उम्मीद छीन लेंगे, अगर आप उनको बिठा देंगे और उनको मुल्क से भगा देंगे, आप कौन सी कौमी सलामती के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं?